जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है आईपीओ कैसे सेल करें। जी हाँ, पॉइंट ऑफ सेल से आईपीओ का लेन देन करने की पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, सामने आइकन था आईपीओ का, आईपीओ पे हमने क्लिक किया, डिनोमिनेशन में गए और देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल में अपने आप आता नहीं है और हमें लेना पड़ता है बैक ऑफिस से। तो बैक ऑफिस भी कहीं से लेगा? बैक ऑफिस लेगा F&A से, जब कभी भी कोई आईपीओ आता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आईपीओ रिसीव करने का प्रोसीजर, वो आप देख सकते हैं सैप में कैसे करें। तो दोस्तों हमने पीओ ऑपरेशन में गए, रिसीव आईपीओ स्टैम्प फ्रॉम F&A। F&A से हम पहले लेंगे, वो हमारे बैक ऑफिस में आएगा यानी ट्रेजरी में आएगा, उसके बाद ट्रेजरी जो है इस तरीके से काउंटर पे दे सकता है। देखिए आप नंबर ध्यान रखिए कि हमने सबसे पहला नंबर 75001 और 002 जो है 002 ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये दो आईपीओ हमने सक्सेसफुली रिसीव कर लिए हैं F&A ट्रेजरी से। अब हम इसको सप्लाई करेंगे काउंटर को, क्योंकि भैया काउंटर को भी तो देना ज़रूरी है। तो हमने काउंटर सेलेक्ट कर लिया है, फिर हम आईपीओ पे क्लिक करेंगे और आईपीओ पे क्लिक करके डिनोमिनेशन सेलेक्ट करके वहीं सेम नंबर ऑफ आईपीओ भेज देंगे अगर हमें बेचने हैं काउंटर को। हम ज़्यादा भी भेज सकते हैं काउंटर को अगर हमें लगता है कि भैया और आईपीओ बिकने वाले हैं। तो फिलहाल तो हम जो करंट सेल है, दो आईपीओ सेल हुए हैं, तो वो हमने सेलेक्ट करके वहीं जो है भेज दिया। दोस्तों किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हमने आईपीओ एलोकेशन सक्सेसफुली जो है अपने काउंटर को एलोकेट कर दिया है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ रिसीव करना होगा। डेली ऑपरेशंस पे जाएंगे, एक्सेप्ट एलोकेशन करेंगे, जो भी चीज़ें हमने भेजी गई हैं उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे F4 करके, इसको हाईलाइट करके दोस्तों, ठीक है। जितनी भी चीज़ आई है उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने यहाँ एक्सेप्ट ऑल किया है, आप सिर्फ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने से वन बाय वन आइटम जो भी चीज़ें भेजी गई हैं वो वन बाय वन ही रिसीव होगी काउंटर को। फिलहाल अब जो है इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं आपका मन किया कि भाई आईपीओ हमने ये दो नहीं भेजे थे, कोई और नंबर के थे, तो इसे आप वापस कर सकते हो अपने सुपरवाइज़र को। सेम ट्रांसफ़र आईपीओ पे क्लिक करके, सुपरवाइज़र पे क्लिक करके प्रीफिक्स सफिक्स सही से डालना है जो कि हमने पहले लिखा था दोस्तों। तो हमने जो है आईपीओ का जो है यहाँ पर डिनोमिनेशन सेलेक्ट कर लिया, प्रीफिक्स 64F75001 था, वहीं हमने यहाँ पर लिख दिया और जो भी क्वांटिटी थी वो हम मेंशन कर देंगे कि भाई दो आईपीओ हमें वापस करने हैं। ये हम सुपरवाइज़र में अपने बैक ऑफिस में जाके वेरीफाई करेंगे और वो रिसीव हो जाएगा वहाँ पे। ये देखिए, ये सबमिट किया, यहाँ से आईपीओ वापस चले गए हैं आपके बैक ऑफिस में। तो दोस्तों दोनों प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, कैसे बैक ऑफिस से काउंटर पे भेजते हैं और कैसे काउंटर से वापस बैक ऑफिस को दे देते हैं एट द एंड ऑफ द डे। दोस्तों यहाँ पर हमने जो है स्टॉक अप्रूव कर लिया है, यानी कि पोस्टमास्टर ने रिसीव कर लिया, ट्रेजरी ने रिसीव कर लिया, उनके पास ये स्टॉक वापस आ गया है। अब अगर हम देखेंगे तो दोबारा हम सप्लाई टू काउंटर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो चीज़ नज़र आएगी, यानी आईपीओ हमारे जो 75001 है वो देखिए स्टॉक आ गया है वापस। तो दोस्तों यही प्रोसीजर है, कैसा लगा ज़रूर बताएं। जय हिंद।